हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप राजचंद राकर और आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का क्रैश कोर्स। टिल नाउ चार लेक्चर आपने देख लिया होगा, है ना। आज पांचवा लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात कि बहुत सारे लोग इस तरीके से कह रहे थे कि सर हम मेहनत बहुत करते हैं, पता नहीं हमारा लक काम करेगा कि नहीं करेगा। तो एकदम सिंपल से चीज़ है, जो मेहनत करते हैं उन्हीं का लक होता है। अगर हाथों की लकीरों से लक होता ना, तो यार किस्मत, अगर किस्मत की बात करते हो ना, तो किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं, उनकी भी तो लाइफ चलती है ना, ठीक है। इसीलिए एकदम सिंपल सी बात है कि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। हार्डवर्क जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं रहा कि यार हाँ मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया और बहुत मेहनत किया हूँ, है ना, तभी जाके आपको वो जो सक्सेस आप पाना चाहते हो वो मिलेगा, ठीक। एक एक टर्म आप सुने होंगे कि पेन इज टेम्परेरी एंड ग्लोरी इज परमानेंट। यस, ठीक, कि आपको जीत मिलेगी वो परमानेंट रहने वाला है, ये टेम्परेरी है भाई। आपको लगता है थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा हो सकता है घर में भी प्रॉब्लम हो, वो हर्डल्स है, हर्डल्स हैं, वो सबके लाइफ में आने वाला है। आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी लाइफ में भी आई है चीज़ें, है ना, आगे भी चलते रहेंगी। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कोई परेशानी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो वो हर्डल्स अगर आप पार नहीं करोगे तब तक आपको लोग नहीं जानेंगे। सो बिलीव मी कि ये चीज़ें आपको पार करके आगे बढ़ना है, नहीं तो आप जहाँ हो ना वहीं के वहीं रहने वाले, आपको कोई नहीं जानने वाला यार, आपका नाम कोई नहीं जानने वाला। जैसा देखिए होता क्या है, लोग सभी पैदा हुए हैं, सभी जिएंगे और एक टाइम के बाद चले जाएंगे, पीछे क्या रह जाता है, सिर्फ नाम, ठीक। सो उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि ये टाइम जो है मैं मेहनत करके अपने आप को उस पोजीशन पे ले जाऊंगा जहां से लोग मुझे जानेंगे, मुझे देखेंगे। तो लग जाइए काम में, है ना, थोड़ा भी जगह मत छोड़िए, मत छोड़िए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, देखिए इससे पहले मैंने आपको फोर बार मैकेनिज्म बताया था, इससे पहले आपको फोर बार मैकेनिज्म बताया था, उसमें चार लिंक, चार टर्निंग पेयर थे, चारों लोअर पेयर थे और चारों के चारों टर्निंग पेयर थे। इस पे आपका चार लिंक, ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी, फोर लिंक्स होना चाहिए, तीन टर्निंग पेयर रहेगा और एक स्लाइडिंग पेयर रहेगा। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके का कुछ, ऐसा कुछ यहां पे देखिए टोटल कितने लिंक हैं, लिंक नंबर 1, 2, 3 और ये स्लाइडर 4, टोटल चार लिंक है, 1, 2, 3, तीन टर्निंग पेयर है और एक स्लाइडिंग पेयर बनाएगा, एक ये वाला स्लाइडर स्लाइडिंग पेयर बनाएगा, ठीक। सो ये आपका क्या हुआ, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन हुआ, चैन हुआ। इसको मैकेनिज्म में कन्वर्ट करेंगे बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स। सबसे पहले ये जो लिंक का नाम है वो जान लेते हैं, ये जो लिंक नंबर 1 है वो कहलाता है सिलेंडर लिंक और सिलेंडर लाइन लिंक, ठीक। दिस इज सिलेंडर लिंक, सिलेंडर लिंक कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्रैंक, ये कहलाता है आपका कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड कहलाता है, ये आपका क्या है, स्लाइडर, स्लाइडर। चार लिंक के नाम है ऑब्वियसली, मतलब चार लिंक को अगर मैं फिक्स करूंगा तो चार इन्वर्जन मिलना चाहिए, चार टाइप के मैकेनिज्म मिलना चाहिए। अगर कोई कॉमन होगा तो तीन हो जाएगा डिस्टिंक्ट इन्वर्जन,
या ऑलरेडी हमने फोर बार मैकेनिज्म में देखा था कि रॉकर क्रैंक मैकेनिज्म क्या मिल रहा था अपने को, कॉमन मिल रहा था, तो दैट विल बी द डिस्टिंक्ट इन्वर्जन वहां पे क्या हो जा रहे थे, तीन हो जा रहे थे। यहां पे देखते हैं क्या ऐसा कुछ कॉमन मिलने वाला है क्या, तो धीरे से चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप सिलेंडर लिंक को फिक्स करते हैं, सिलेंडर लिंक को फिक्स करते हैं और यहां पे एक सिलेंडर लगाते हैं, मतलब सिलेंडर इज फिक्स कह सकते हैं, या तो नंबर वन सिलेंडर लिंक फिक्स्ड। तो अगर आप सिलेंडर लिंक को फिक्स करते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए ये वाला लिंक जो था, ये वाला लिंक मतलब ये वाला लिंक सिलेंडर लिंक, इसको आपने फिक्स किया तो ये फिक्स वाला इसमें जस्ट लाइन डॉटेड लाइन डाल दिया, मतलब ये वाला पॉइंट भी फिक्स होगा और ये जो सिलेंडर है वो भी आपका फिक्स है। सो इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली दिस इज क्रैंक, दिस इज कनेक्टिंग रॉड और अब इसको पिस्टन कह देंगे, स्लाइडर को क्या कह देंगे, पिस्टन कह देंगे। सो इस तरीके का आपको एक मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जो कि बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करूं इस तरीके का, अगर मैकेनिज्म है डियर, इस तरीके का मैकेनिज्म है, ये क्या हुआ कि आपका लाइन ऑफ स्ट्रोक और जो क्रैंक है वो हिंज्ड है एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे, पिस्टन यहीं पे मूव करेगा इस लाइन पे और इसी लाइन पे ये हिंज्ड है ना। सो ये आपका सिंपल आपका क्या हुआ, सिलेंडर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जिसमें आपने सिलेंडर लिंक को फिक्स किया। और इस तरीके का आपको मैकेनिज्म बहुत सारा देखने को मिलता है। अगर मैं कहूं देखिए, अगर ये इनपुट होता है आपका पिस्टन, तो आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों में जो पिस्टन इनपुट होता है कहाँ जलता है भाई, फ्यूल यहाँ पे जलता है, यहाँ पे कंबशन होता है फ्यूल का और यहाँ से पावर मिलेगा, मतलब इनपुट कौन सा हुआ, ये इनपुट यहां से हुआ, आउटपुट आपका क्रैंक हुआ, मतलब इंजन में इनपुट क्या होता है, पिस्टन। अगर मैं कहूं इनपुट एंड आउटपुट, अगर स्लाइडर इनपुट है, स्लाइडर इज नथिंग बट योर पिस्टन और आउटपुट क्या है, क्रैंक, सो इस समय आपको किस तरीके का इन्वर्जन मिल रहा है, दैट इज योर इंजन, इंजन मिलने वाला है, मतलब पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, दैट इज योर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन लिखता हूं पूरा नाम, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिलने वाला है जिसपे स्लाइडर और पिस्टन विल बी द इनपुट एंड क्रैंक आपका आउटपुट होगा। सो वो रेसिप्रोकेटिंग इंजन होगा, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ये पावर प्रोड्यूस करने वाला है। अगर आपका क्रैंक इनपुट होता है, क्रैंक इनपुट होगा और स्लाइडर आउटपुट होने वाला, दैट इज योर पिस्टन आउटपुट होने वाला है। सो क्या होगा कि इसको इनपुट दे रहे हैं आप, यहां पे आउटपुट मिल रहा है, मतलब या तो इसको कंप्रेस करेगा या तो आपका प्रेशर बढ़ाएगा, पंप पंप की तरह काम करेगा या कंप्रेशर की तरह काम करेगा। सो व्हेन एवर योर क्रैंक इज इनपुट एंड स्लाइडर इज आउटपुट, दैट टाइम योर इन्वर्जन और मैकेनिज्म विल बी रेसिप्रोकेटिंग पंप और कंप्रेशर, रेसिप्रोकेटिंग पंप और कंप्रेशर। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा रेसिप्रोकेटिंग पंप और कंप्रेसर। सो पंप और कंप्रेसर क्या होता है, आपका पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। सो एक बार आपका अगर इनपुट स्लाइडर हुआ तो वो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस हुआ, अगर आपका क्रैंक इनपुट हुआ तो वो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होगा। तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक। आगे अगर मैं बढ़ूं, ये तो आपने सिलेंडर लिंक को फिक्स किया था, अब दूसरा अगर आप क्रैंक को फिक्स करते हैं, अगर आप क्रैंक को फिक्स करते हैं, क्रैंक फिक्स, सो यहां पे दो तरीके की चीजें मिलने वाली है अगर आप क्रैंक को फिक्स करते हैं तो। एक होता है रोटरी आईसी इंजन, रोटरी आईसी इंजन, और एक होता है आपका विटवर्थ क्विक रिटर्न
मोशन मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, यहां पे पूरा नाम लिख देता हूं, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, QRMM, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ये क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इसलिए कहलाता है क्योंकि आपका जो रिटर्न में आने वाला है, ये वापस आने वाला है, उस पर टाइम कम लगता है। तो धीरे से देखेंगे क्या होता है, है ना। इवन दो इस पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्विक रिटर्न कैसे होता है, वो बात करेंगे धीरे से। इतना समझ में आ रहा है कि आपने को, अगर क्रैंक फिक्स हो रहा है तो दो तरीके के इन्वर्जन मिल रहे हैं, दो तरीके की चीजें मिल रही है। एक हो रहा है आपका रोटरी इंजन, इन्वर्जन तो एक ही है, एक ही है, है ना, लेकिन उस पर कुछ चीजें एडिशन सब्सट्रैक्शन करके हम चीजें अचीव कर सकते हैं। एक होता है रोटरी आईसी इंजन और एक आपका विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक, रोटरी आईसी इंजन इज ऑल्सो नोन एज गॉम इंजन। ये पहले आपका जो एरोप्लेन होते थे ना, गॉम इंजन कहलाता है। पहले जो एयरक्राफ्ट आते थे जिसपे सामने फैन लगा होता था, घूमते रहता था, चश्मा पहन के चलाते थे, है ना, बहुत बार देखे होगे आपने। सो उस तरीके का जो एयरक्राफ्ट होता था उस पे यूज होता था रोटरी आईसी इंजन, रोटरी आईसी इंजन वहां यूज होता था। अब तो खैर गैस टर्बाइन्स यूज होते हैं, बड़े बड़े प्लेन्स आ गए हैं, एयरक्राफ्ट आ गए हैं, है ना, लेकिन पहले इस्तेमाल होता था रोटरी आईसी इंजन। ठीक भाई, अगर अब देखिए क्रैंक को फिक्स किए तो क्या मिला, रोटरी आईसी इंजन एंड विटवर्थ। अगर आप सिलेंडर को फिक्स कर रहे थे या सिलेंडर लिंक को फिक्स कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, या तो कंप्रेशर पंप मिल रहा था या तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिल रहा था। अब अगर आप कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं, कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड, अगर आपका कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड होता है तो इस समय ये देगा आपका, एक होता है क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म और एक होता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। जब कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं तो क्या मिलता है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन एंड क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। सो क्विक रिटर्न ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दो ही है, इसके अलावा भी आपको दिखाऊंगा कि इस पे अगर आपका जो सिलेंडर, इस पे तो क्या हुआ कि जिस लाइन पे पिस्टन मूव कर रहा था उसी लाइन पे आपका क्रैंक खींच रहा है, अगर इस पिस्टन को ऊपर ले गया या नीचे ले गया सो वो कहलाता है ऑफसेट सिलेंडर। सो ऑफसेट सिलेंडर के केस में भी या ऑफसेट पिस्टन के केस में भी आपको देखने को मिलेगा कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है वहां पे, तो उसके बारे में बात करेंगे धीरे से, है ना, ये पहले देख लेते हैं। ठीक, सो मैंने अभी तक तीन लिंक फिक्स किया और तीन तरीके के अलग अलग इन्वर्जन मिले। चौथा लिंक, दैट इज योर स्लाइडर, अगर आप स्लाइडर को फिक्स करते हैं सो आपका मिलता है हैंड पंप। फोर्थ वन, स्लाइडर फिक्स्ड, सो आपका जो इन्वर्जन मिलता है वो होता है हैंड पंप। डियर, हैंड पंप घर में देखे होंगे हैंड पंप, लेकिन मन में एक डाउट आता है कि यार हैंड पंप में तो हम देखते हैं कि कोई एक स्लाइडर होता है जो ऊपर नीचे होता है, एक्चुअली कैसे होता होगा हैंड पंप, यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि ये इस तरीके से कुछ रहा होगा, ये बताइए क्या ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, बिल्कुल, है ना, मतलब सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन है, इसका मैकेनिज्म में अभी कन्वर्जन करेंगे। सो एक टर्निंग पेयर सर, दो टर्निंग पेयर सर, तीन टर्निंग पेयर और ये स्लाइडिंग पेयर बनेगा। ठीक है, चार लिंक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। किसको फिक्स करना है अपने को, अपने को स्लाइडर को फिक्स करना है। इसको फिक्स कर दिया भाई, इसको फिक्स कर दिया, अगर इसको फिक्स कर दिया
ये वाला पोर्शन को हटा दे रहा हूँ मैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, मतलब ये यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया मैं, है ना, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। सो ये वाला पोर्शन हटा दिया मैं, ये फिक्स है। अब देखिए क्या करूँगा मैं, इसको थोड़ा सा ऐसा हटाया और यहाँ पे ना एक प्लंजर लगाया, क्या लगाया, प्लंजर, दिस इज नथिंग बट यूर प्लंजर, ये क्या कहलाएगा आपका, प्लंजर कहलाएगा, दिस इज नॉट द स्लाइडर ना, ये प्लंजर है भाई। स्लाइडर को तो आपने फिक्स कर दिया, और स्लाइडर को फिक्स किए तभी ये वाला पॉइंट आपका फिक्स हुआ, ध्यान रखना, ठीक। सो ये हो गया प्लंजर, ये कहला जाता है प्लंजर रॉड, रॉड, और इस लिंक को अगर एक्सटेंड कर दिया, ये वाला लिंक, ये देखिए ये वाला लिंक को एक्सटेंड कर दिया। सो इसको अगर मैं इस तरीके से ऊपर नीचे करूंगा तो आप देखे होंगे कि इसको अगर ऊपर नीचे ऐसा करने वाले हो तो ये ऊपर नीचे होने वाला प्लंजर, प्लंजर ऊपर नीचे होने वाला है, तो यहां से आपका क्या निकलने वाला है, फिर यहां से आपका वाटर आने वाला है, वाटर आने वाला है। सो दिस इज नथिंग बट यूर हैंड पंप। हैंड पंप क्या होता है, आप स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो क्या है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये तो प्लंजर नहीं है, तो स्लाइडर है, नहीं बेटा ये आपका प्लंजर है, स्लाइडर फिक्स हुआ तभी ये पॉइंट फिक्स हुआ। सो दिस इज नथिंग बट इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन, ठीक। सो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन का ये एक इन्वर्जन है भाई हैंड पंप। बाकी चीजों के बारे में एक एक करके बात करते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इरेज करता हूं मैं। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका, जब आप सिलेंडर को फिक्स कर रहे थे या सिलेंडर लिंक को फिक्स कर रहे थे तो आपको इन्वर्जन मिल रहा था, या तो इंजन मिल रहा था या तो पंप और कंप्रेशन मिल रहा था, ठीक है। सो उस समय मैंने कहा था कि आपका जो पिस्टन जिस लाइन में मूव कर रहा था उसी लाइन में आपका क्या था, क्रैंक भी उसी लाइन पे आपका हिंज हो रहा था, ठीक। अगर मैंने ऑपसेट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सवाल आया हुआ है और यहां से आप क्विक रिटर्न रेशियो का मतलब समझेंगे, सो इंपॉर्टेंट है भाई। ऑपसेट सिलेंडर, ऑपसेट सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म और ऑपसेट सिलेंडर मैकेनिज्म, देखिए अब देखिए डायग्राम ऐसा कुछ बना रहा हूं मैं कि ये यहां पे रहा। इस पे दो केसेस हैं, ऑफसेट यार आपका जैसे सिंपल डायग्राम, पहला आपको आपको ऐसा कुछ दिखाया था, ऑफसेट नहीं है ये, जस्ट इसको आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से कुछ था कि यहां पे आपका स्लाइडर था, यहां पे आपका स्लाइडर था, यही तो आपका क्या था, सिलेंडर था सर, ये सिलेंडर था, ये सिलेंडर था, ठीक। सिलेंडर को मैंने हटा के, है ना, जस्ट ये बता दिया कि हाँ भाई ये सिलेंडर है, मतलब स्लाइडर इसी सरफेस पे मूव करने के लिए मजबूर हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या था जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि जिस लाइन में पिस्टन मूव करेगा उसी लाइन में आपका क्रैंक हिंज रहा है, ये इस तरीके से था। अब देखिए ये जो पिस्टन है ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मतलब दो केसेस हो सकते हैं इसके इसेंट्रिक होने के, है ना, दो केसेस हो सकते हैं या ऑफसेट होने के, एक हो सकता है कि अपवर्ड ऑफसेट हो, एक हो सकता है डाउनवर्ड ऑफसेट हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो चलिए, है ना, बात करते हैं केस नंबर वन, कि अगर ये अपवर्ड ऑफसेट है तब
कैसे एनालिसिस होना चाहिए। केस वन, अपवर्ड ऑफसेट है, अपवर्ड ऑफसेट। चलिए देखते हैं भाई, लेट अस अज्यूम ये यहाँ पे ऑफसेट है, मतलब दिस इज फिक्स टू मूव अलोंग दिस लाइन ओनली, इसी में मूव करेगा। सो ये ऑफसेट है, मतलब यहां पे अगर मैं कहूं लेट अस अज्यूम यहां से लेके ये वाले के बीच का डिस्टेंस e है, दिस इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, दिस इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। जितने से ये ऑफसेट होगा, ये अपवर्ड है अभी, अपवर्ड, तो ये इसेंट्रिसिटी ई अपवर्ड की ओर दिखेगा, अगर ये डाउनवर्ड होता तो डाउनवर्ड की ओर दिखता इसेंट्रिसिटी। सो ई इज वॉट इसेंट्रिसिटी, कि वो कितने से ऑफसेट है ये बताने वाला है। नाउ माय डियर, लेट अस अज्यूम जो क्रैंक है उसका लेंथ अगर मैंने मान लिया आर, दिस इज द रेडियस ऑफ क्रैंक कह सकता हूं, ठीक, और इसका लेंथ मैंने मान लिया एल। लेट अस अज्यूम इसको मैंने कहा ओ पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये जो क्रैंक है ये तो आपका घूमने वाला है भाई, ये जो क्रैंक है ये रोटेशन में आने वाला है। सो एक ना एक टाइम आएगा जब आपका ये जब क्रैंक घूमेगा, ये जब क्रैंक घूमेगा सो ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये वाला जो था जब ये ऑफसेट नहीं था, जब इसेंट्रिसिटी जीरो थी, सो ये ऐसा कुछ था, इस पे भी तो यही हो रहा था, यही हो रहा था, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। नाउ माय डियर, अगर ए पॉइंट यहां पे आएगा सो ये वाला बी पॉइंट आगे बढ़ के यहां कहीं चला जा रहा था, ठीक, जब ये ए पॉइंट घूमते 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 यहां कहीं आ जा रहा था, यहां कहीं आ जा रहा था ए पॉइंट, सो ये वाला इधर से चलते चलते यहां तक आ जा रहा था। सो लेट अस अज्यूम अगर इसको मैंने ए वन बोला, ध्यान से देखते रहना, ये घूमते घूमते यहां पे आया सो ये बी चलते चलते यहां पे आ गया तो ये बी वन हो गया। उसके बाद जब ए वन घूमते घूमते यहां पे आया होगा ए टू पे, सो उस समय ये जो बी वन है ये चलते चलते यहां पे आ गया होगा बी टू। सो दिस इज नथिंग बट यूर स्ट्रोक, इस केस में आपका स्ट्रोक होगा। और क्या हुआ कि यहां से घूम के यहां तक पहुंचा और वापस घूम के जब यहां तक आएगा सो ये यहां से इधर, इधर से इधर इस तरीके से चलने वाला है, ठीक। जब ए पॉइंट यहां पे था ए वन सो ये यहां पे था, जो आपका पिस्टन है वो यहां पे था इंड में, ठीक। उसके बाद ये जब घूमते घूमते धीरे धीरे ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पे है, यहां पे है। अब देखो ये देखना, मेरा हाथ देखना, ये धीरे 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 यहां पे आया और ये आपका स्लाइडर यहां पे आ गया। फिर से वापस जब यहां से चलना शुरू करेगा तो ये स्लाइडर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और यहां पे आ जाएगा। सो क्या हो रहा है कि आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट कब चले जा रहा है, जब ए वन यहां पे था तो वो उस एंड में था, ए टू यहां पे आ गया मतलब ए पॉइंट यहां पे आ गया, मतलब इतना एंगल कवर किया सो वो वापस आ गया, फिर यहां से इतना एंगल कवर किया तो फिर चला गया, फिर उतना एंगल कवर किया तो आ गया। सो ये साफ साफ दिख रहा है कि 180 डिग्री आपका जाने में और 180 डिग्री वापस आने में लग रहा है, मतलब सेम टाइम जाने में और सेम टाइम आने में लगने वाला है। बट अगर ऑफसेट हुआ, ऑफसेट हुआ सो जाने में ज्यादा टाइम लगेगा और आने में कम टाइम लगेगा, बस शर्त यह है
कि अगर ऑफसेट अपवर्ड है तो फॉरवर्ड कौन सा होगा ये पहचानना जरूरी है, फॉरवर्ड और रिटर्न कौन सा होगा ये पहचानना जरूरी है। सर ये क्या बोल गए, सुनो इस पे मैंने सिंपली बोला ये अगर चल रहा है तो ये फॉरवर्ड होगा और ये रिटर्न होगा, लेकिन ऑफसेट में अगर ऊपर की ओर है, अगर ऊपर की ओर है सो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है बेटा, ये आपका फॉरवर्ड है, जैसे वो एज्यूम कर लिया था वैसे ही ये फॉरवर्ड रहेगा, रिटर्न ये वाला डायरेक्शन होगा, अपोजिट ये रिटर्न होगा। लेकिन जब ऑफसेट नीचे होगा, ऑफसेट नीचे होगा सो ये जो रिटर्न डायरेक्शन है वो आपका फॉरवर्ड में हो जाएगा और जो फॉरवर्ड है वो रिटर्न में हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन आपका रिटर्न हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन आपका फॉरवर्ड हो जाएगा अगर ये ऑफसेट नीचे आता है तो। वो देखेंगे इस पे कितना टाइम लगा जाने में, जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में लगा, सो इस पे कोई क्विक रिटर्न के बारे में बात नहीं करोगे क्योंकि जाने और आने में बराबर टाइम लग रहा है, लेकिन यहां पे जाने और आने में अलग अलग टाइम लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं, है ना, ये वापस इरेज कर रहा हूं। सो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आपका ये वाला जो पॉइंट है ये घूम के कहीं पे आया है, लेट अस अज्यूम ये चल के अपना एक्सट्रीम पोजीशन ये है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन ये है। सो ये चलते चलते इस तरीके से ये वाला जो आपको दिख रहा है किसी एंगल पे है आपका क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड किसी एंगल पे है, लेकिन जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा सो ये क्या हो जाएंगे, ये रॉड और ये रॉड आपका कोलिनियर हो जाएगा, तभी तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पूरा है। ये देखिए मेरा हाथ एक्सट्रीम पोजीशन पे तब रहेगा जब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कोलिनियर रहेगा। ऑब्वियसली जब ये इधर उल्टा ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे तभी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, दिखाता हूं आपको, दिखाता हूं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने मिला दिया, लेट अस अज्यूम। मैंने मान लिया कि ये यहां पे आया तो इसको ए वन बोला, जस्ट ए वन बोला, सो इसको मैंने मान लिया बी वन, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, ठीक। आपको मैंने फॉरवर्ड का डायरेक्शन बता दिया, ये फॉरवर्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, सो ये बी वन हो गया, ठीक। सो यार ये बताओ ये कितना था, आर था सर, ये आर था, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा एल था सर, और ये वाला डिस्टेंस अभी भी ई होगा, ये वाला डिस्टेंस अभी भी ई होगा। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं सो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला और ये वाला लाइन, ये आपका ई के बराबर होगा, ई के बराबर होगा। सो जब ये इस तरीके से आया है ना तो उस समय आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, पहला ये यहां कहीं है, दिस साइड इज नाउ ई, यहां कहीं आपका ए वन था, सो इसको मैंने आर बोल दिया, इसको मैंने एल बोल दिया, सो ये पहला पोजीशन ऐसा कुछ मिला, एक एक्सट्रीम पोजीशन, एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये अभी ए वन था, ये आपका बी वन था, सो ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड वन, जब ये यहां से चल के इधर आया होगा कहीं पे, लेट अस अज्यूम ये आपका एल था, ये आपका एल था, ठीक, लेट अस अज्यूम ये चल के यहां कहीं आ रहा है, यहां कहीं पहुंच गया, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। सो ये क्या हुआ, ये इस साइड का एक्सट्रीम पोजीशन, ये इस साइड का एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब इसके बाद ये आगे नहीं जा सकता और इधर ये इसके बाद इधर नहीं आ सकता, सो दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। लेट अस अज्यूम जब बी यहां पे पहुंचा, बी यहां पे पहुंचा है ना, थोड़ा सा ना इसको यहां बनाया, लेट अस अलग से दिखेगा, ये यहां कहीं हुआ, ठीक, बी यहां पे हो गया। अब देखिए आपका क्या होगा कि ये वाला जो घूमते 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 इधर कहीं आया होगा और इस लाइन के साथ अगर इसको मिला रहा हूं मैं,
ये वाला जो लाइन है उसके साथ ये जो ए है वो कोलिनियर हो गया होगा। सो लेट अस एज्यूम ये वाला जो पॉइंट है वो घूमते 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 यहां पे आ गया, ये हो गया ए टू ए टू, और ये हो जाएगा आपका अभी बी टू बी टू। सो ध्यान से सुनिएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक क्या था, जब ये यहां से इधर जाएगा, दिस इज द फॉरवर्ड स्ट्रोक, मतलब बी टू से सर बी वन की ओर जा रहा है, सो ये फॉरवर्ड होगा, ये फॉरवर्ड होगा। जब ये आपका बी वन से बी टू की ओर आ रहा है तो ये रिटर्न होगा, रिटर्न होगा। ये देखिए ना, ये फॉरवर्ड है, ये रिटर्न है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब ए वन ए टू यहां पे था, ए टू यहां पे था, तो बी टू कहां पे था, यहां पे है, यहां पे है। जब ए टू चलते 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 आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, हाँ ना, सो ये आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, बट ऑब्वियस है, हाँ कि ना। ये देखो ए टू यहां पे है, बी टू यहां पे है, जब ये धीरे से आगे बढ़ रहा है तो बी टू भी इधर आगे बढ़ेगा। सो मेरा हाथ देखते रहिएगा, मेरा हाथ देखते रहिएगा, ये देखिए ए टू बी टू, सो ये ऊपर जा रहा है, ये आगे बढ़ रहा, 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 इस एस्पिन पोजिशन पे ये आया, ये इस तरीके से आया। सो आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट होगा। फॉरवर्ड स्ट्रोक कब कंप्लीट हुआ, फॉरवर्ड स्ट्रोक कब कंप्लीट हुआ, ये देखिए, जब ए टू सर यहां से चल के ये वाला पूरा कवर करते 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 यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचेगा, तब ये यहां से चलते चलते यहां तक पहुंचेगा, तो फॉरवर्ड आपका कंप्लीट हुआ, मतलब इतना एंगल कवर किया। मतलब अगर मैं दिखाऊं यहां पे, सो दिस इज द एंगल, ऑब्वियसली ये देखिए रेड लाइन तक आया, सो दिस इज द फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल, थीटा एफ बोल दिया, थीटा एफ बोल दिया, फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल, ठीक, थीटा एफ, फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल, थीटा एफ, या इसी को मैं पहले अगर मेरा लेक्चर देखे होगे तो मैंने बीटा बताया था, दैट्स ओके, है ना, चलेगा, ठीक। सो थीटा एफ इज योर व्हाट, फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल। सिमिलरली जब ए वन यहां पे था, अब फिर से हाथ मेरा देखिएगा, ए वन यहां पे है तो बी वन यहां पे है, ए वन यहां से चलते 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 इधर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ए टू यहां पे आया, तो बी टू यहां पे आ गया, बी टू यहां पे आ गया, मतलब रिटर्न हुआ, रिटर्न हुआ, रिटर्न में ये कितना एंगल कवर किया होगा, ए वन सर ए वन चल के कहां पे आया है, ए वन चल के सर ए टू तक आया है, मतलब ये वाला एंगल होना चाहिए सर, यहां से चल के यहां तक आया है, तो कौन सा एंगल होगा, दिस इज द रिटर्न एंगल, रेड लाइन से, रेड लाइन से जहां पे छूटा था वहां से शुरू होके, जहां से शुरुआत हुई थी थीटा एफ का वहां तक, सो दिस इज योर थीटा आर, थीटा आर इज द रिटर्न स्ट्रोक एंगल, थीटा आर इज द रिटर्न स्ट्रोक एंगल। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, है ना, मतलब यहां एक्सट्रीम पोजीशन पे था, तो ये फिगर बना, दूसरा फिगर ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, सो ये देखिए आपका जो ए पॉइंट था, ए पॉइंट मतलब ये वाला आर होगा, ये वाला डिस्टेंस आर होगा, ये घूमते 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 यहां पे आ गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस अब आर होगा, ये वाला डिस्टेंस आर होगा, और ये आपका पूरा क्या था, पूरा क्या था, ये आर था, ये एल था, था ध्यान से सुनना बेटा, ठीक, ये आर था, ये एल था। सो अभी जब आपका रिटर्न हुआ तो क्या हुआ कि ये वाला जो आर है और ये पूरा एल था, सो ये जब घूमकी यहां पे आएगा, सो ये आर हुआ और यहां से लेके यहां तक ये एल होगा। अगर ये आर हो गया, आप सोचिए ना, आप खुद सोचिए कि ये सर ये आर था, ये घूमते 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 यहां पे आ गया, मतलब ये आर हो गया, और यहीं से ए से बी तक, ए से बी तक लेंथ कितना था, एल था, सो ए से बी तक ये लेंथ टोटल एल होगा और ये टोटल आर होगा, बिल्कुल ठीक। सो ये सेकेंड पोजिशन होने वाला है, सेकेंड पोजिशन इस तरीके से कुछ दिखेगा।
लेट अस अज्यूम ये यहाँ कहीं मान लिया मैं, दिस इज द बी टू पोजिशन, ये अभी भी ई रहेगा, ये हाइट तो चेंज नहीं होने वाला इसेंट्रिसिटी। ये आपका ए टू हो गया, ये आपका ए टू हो गया, ठीक, ये आपका ए टू हो गया, ये आपका बी टू हो गया, एंड दिस इज योर आर, ये भी आर है, और यहां से ये वाला टोटल डिस्टेंस दिस शुड बी एल, ये टोटल डिस्टेंस एल होगा, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये आर होने वाला है। सो बचेगा क्या, क्या बचेगा, ये वाला एल माइनस आर बचेगा, बिल्कुल सर, एल माइनस आर बचेगा। अब ध्यान से देखिए यार, फॉरवर्ड में ये इतना थीटा घूमना पड़ा इसको, और रिटर्न में इतना थीटा घूमना पड़ा, इतना एंगल आपका रिटर्न में घूमना पड़ा। सो क्विक रिटर्न रेशियो, क्विक रिटर्न रेशियो एक टर्म आने वाला है, क्विक रिटर्न रेशियो, क्विक रिटर्न रेशियो, सो क्विक रिटर्न रेशियो जो टर्म है ना, क्यू आर आर, अगली बार यही लिखूंगा, क्विक रिटर्न रेशियो मतलब क्यू आर आर। सो दिस इज द टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिटर्न, क्विक रिटर्न रेशियो। अच्छा एक काम करता हूं इसको ना, जैसे टर्म में अपन बात करते हैं उस तरीके से मैं बात करूंगा। सो यहां पे टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्ड टू द रिटर्न का रेशियो लेने वाला हूं, ठीक है, ठीक है सर। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्ड टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिटर्न। सो ये देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉरवर्ड, यार फॉरवर्ड में अगर ज्यादा एंगल कवर कर रहा है, थीटा एप आपको दिख रहा है पिक्चर से कि थीटा एप ज्यादा है, कैसे ज्यादा है सर, ये वाला लाइन अगर देखोगे, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। सो यहां से शुरू होकर ये ब्लू लाइन को क्रॉस कर दिया, मतलब 180 प्लस समथिंग होगा, और सिमिलरली ये वाला जो है थीटा रिटर्न वो 180 से कम होगा, मतलब आपका फॉरवर्ड में ज्यादा थीटा कवर किया, रिटर्न में कम थीटा कवर किया, तो फॉरवर्ड में ज्यादा थीटा कवर करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। सो टाइम ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा, स्ट्रोक तो उतना ही है, लेंथ उतना ही है, टाइम ज्यादा लग रहा है, लेंथ उतना ही है। सो वेलोसिटी में क्या इफेक्ट होगा, कि फॉरवर्ड में सर कम वेलोसिटी रहा होगा, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगा। समझ में आ रही है क्या बात, वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि भाई यहां पे थीटा फॉरवर्ड में ज्यादा लगा, ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि थीटा एफ इज ग्रेटर देन थीटा आर, मतलब फॉरवर्ड में आपका जो टाइम थीटा एफ कवर करने में, फॉरवर्ड को कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। दिस इज द टाइम फॉर द फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड टी आर इज द टाइम फॉर रिटर्न स्ट्रोक। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, आप खुद से लिखिए, TF is time for forward stroke and TR is time for return stroke, return stroke, ठीक ठीक। अब देखिए आपका ये इस तरीके से मिला कि हाँ भाई टाइम ज्यादा लगेगा फॉरवर्ड में, रिटर्न में कम लगेगा। वेलोसिटी के लिए अगर मैं बोलूं, स्ट्रोक तो उतना ही है ना, लेंथ तो उतना ही है, लेंथ तो उतना ही है, तो जाने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो धीरे धीरे चला होगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगा फॉरवर्ड में, कम होगा, कम होगा। सो वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड विल बी लेस कंपेयर टू वेलोसिटी इन द रिटर्न। सो ये भी ध्यान रखना बेटा कि vf, vf लिख लीजिए, vf इज द वेलोसिटी फॉर द फॉरवर्ड स्ट्रोक, vr इज द वेलोसिटी फॉर द रिटर्न स्ट्रोक, फॉर द रिटर्न स्ट्रोक, और वेलोसिटी फॉरवर्ड में कम है, रिटर्न में ज्यादा है, रिटर्न में ज्यादा है। नाउ माय डियर, सो क्या सर इस तरीके से आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये टाइम का रेशियो है थीटा टी एफ बाई टी आर, सो इसको अगर मैं थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लेट अस अज्यूम ये जो आपका क्रैंक है ये घूम रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आपका ये घूम रहा है, ठीक है सर, ये ओमेगा से आपका घूम रहा है,
अपने को पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल टू आई कैन राइट ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, टी इज द टाइम, ठीक। सो यहां पे अगर मैं इस तरीके से लिखूं, सर थीटा एप इक्वल टू ओमेगा टी एप लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, थीटा आर इक्वल टू ओमेगा टी आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। सो यहां से मैं ओमेगा इक्वल टू थीटा एप, या मुझे टी एप के फॉर्म में, ठीक है, टी एप इक्वल टू मैं लिख सकता हूं थीटा एप बाई ओमेगा, एंड टी आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं थीटा आर बाई ओमेगा, इस तरीके से लिख सकता हूं। सो इसको अगर मैं पुट करूंगा टी एप की जगह, अगर मैं पुट करूंगा थीटा एप बाई ओमेगा, तो ये आ जाएगा थीटा एप बाई ओमेगा, और इस पे थीटा आर बाई ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कैंसल हो जाएगा, थीटा एप बाई थीटा आर, थीटा एप बाई थीटा आर। और जिस तरीके से मैंने क्विक रिटर्न रेशियो लिया है, देखिए ये किताब टू किताब वैरी करने वाला है, लेकिन ज्यादातर किताब ऐसे ही क्विक रिटर्न रेशियो फॉलो करते हैं कि फॉरवर्ड टाइम ऊपर लेते हैं और रिटर्न टाइम नीचे लेते हैं। सो आपके दिमाग में ये अब बस जाना चाहिए, इस पे डाउट नहीं रहना चाहिए, ये बस जाना चाहिए आपके दिमाग में कि क्विक रिटर्न रेशियो आपका ग्रेटर देन वन होगा। क्यों? क्योंकि आपका फॉरवर्ड में टाइम ज्यादा लगेगा, फॉरवर्ड में टाइम ज्यादा है, रिटर्न में टाइम कम है। सो ऊपर अगर वैल्यू ज्यादा रहेगा, नीचे वैल्यू कम रहेगा, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन वन आने वाला है। सो क्विक रिटर्न रेशियो विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। थीटा के फॉर्म में भी उसको उस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब अगर मैंने थीटा फॉरवर्ड निकाल लिया और थीटा रिटर्न निकाल लिया, तो क्या मैं क्विक रिटर्न रेशियो निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन बातें चल रही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे जहां जरूरत होगा मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है ना। होपफुली आप सभी नोट कर रहे होंगे, है ना, बहुत जरूरी है बेटा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर मैं कहूं यहां पे, यहां पे ध्यान से सुनना यार, ये वाला जो थीटा ऐप है, अगर ये ब्लू कलर लाइन से चलना शुरू हुआ और ये ब्लू कलर लाइन तक आया पहले, सो 180 ट्रेवल किया होगा, प्लस ये वाला एंगल, मतलब अगर मैं ये एंगल निकाल लूं, ये एंगल निकाल लूं, सो 180 में ये एंगल प्लस कर दूंगा, सो मेरा थीटा ऐप मिल जाएगा। सिमिलरली अगर ये ब्लू से चलता और ब्लू तक आता तो 180 होता, मतलब अगर 180 में मैंने ये वाला एंगल माइनस कर दिया तो थीटा आर मिलने वाला है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ये वाला एंगल निकालना, लेट अस एज्यूम दिस एंगल इज फाइव, दिस एंगल इज फाइव। और ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि आपका वो जो एंगल है फाइव, वो अगर ये वाला एंगल निकाल लिया मैं टोटल और ये वाला एंगल निकाल लिया, सो इस एंगल में इस एंगल को अगर माइनस कर दूं, सो बचेगा यही फाइव एंगल। सो ये एंगल कौन सा है भाई? ये देखिए ब्लू कलर वाला लाइन, मतलब बी टू वाला पोजिशन, ये वाला एंगल सर, ये वाला एंगल। सो इसको मैंने थीटा टू माना, लेट अस अज्यूम, क्योंकि बी टू ए टू बोला था तो थीटा टू मान लिया। सिमिलरली ये वाला एंगल कौन सा है सर? ये रेड वाला लाइन एक्सट्रीम पोजिशन, ये वाला, मतलब ये वाला लाइन, ये वाला एंगल है थीटा वन, थीटा वन। सो क्या मैं थीटा टू माइनस थीटा वन कर सकता हूं? क्या थीटा टू माइनस थीटा वन अगर मैंने कर दिया तो कौन सा एंगल निकलेगा? फाइव एंगल। कौन सा एंगल निकलेगा? फाइव एंगल। सो थीटा टू माइनस थीटा वन, बाकी इरेज कर रहा हूं भाई, बाकी इरेज कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं, यस सर, थीटा टू माइनस थीटा वन विल बी यूअर फाइव, दिस शुड बी फाइव, एंड थीटा एप इक्वल टू फाइव क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज 180 प्लस फाइव, 180 यहां तक प्लस फाइव विल बी थीटा एप, एंड थीटा रिटर्न सर, थीटा रिटर्न 180 माइनस फाइव, या अगर यहां से चलता तो 180 होता, उसमें 5 को माइनस कर रहे हैं, तो थीटा रिटर्न और थीटा एप और थीटा रिटर्न अगर मैंने निकाल लिया तो ये निकल जाएगा मेरा, ये निकल जाएगा। चलिए भाई इस पे क्या थीटा वन निकालना इतना कठिन है क्या? ये वाला डिस्टेंस आपको पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है,
और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है एल प्लस आर है, ये ई डिस्टेंस पता है, थीटा वन निकालना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस शुड बी द बेस, दिस शुड बी द हाइपोटेनियस एंड दिस शुड बी द परपेंडिकुलर। सो यहां से आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है तो साइन थीटा वन मैं लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हो सर। सो इस केस में साइन थीटा वन अगर मैंने लगाया सो आपका परपेंडिकुलर ई अपॉन एल प्लस आर, एल प्लस आर, सो यहां से थीटा वन इक्वल टू आई कैन राइट साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ई डिवाइडेड बाई एल प्लस आर, ई डिवाइडेड बाई एल प्लस आर, ये आने वाला है। सिमिलरली अगर इस केस में बोलूंगा सो ये देखिए यहां से ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिस विल बी द हाइपोटेनियस, एल माइनस आर है, हाइपोटेनियस एल माइनस आर है। सो यहां पे अगर मैं साइन थीटा टू निकालना चाहूंगा सो ई डिवाइडेड बाय एल माइनस आर, मतलब सर थीटा टू इक्वल टू साइन इनवर्स ई डिवाइडेड बाय एल माइनस आर होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। मतलब थीटा टू माइनस थीटा वन अगर मैं लिखना चाहूंगा तो साइन इनवर्स ई डिवाइडेड बाय एल माइनस आर एंड साइन इनवर्स ई डिवाइडेड बाय एल प्लस आर। सो यहां से मिल जाएगा आपको फाई, फाई मिल गया, अगर फाई मिल गया सो आपका थीटा एफ मिल जाएगा, थीटा आर मिल जाएगा। सो क्विक रिटर्न रेशियो क्यू आर आर इक्वल टू थीटा एफ बाई थीटा आर था, सो यहां से मैं कह सकता हूं डियर 180 प्लस फाइव एंड 180 माइनस फाइव, 180 माइनस फाइव, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्विक रिटर्न रेशियो, क्विक रिटर्न रेशियो। ये तो ऑफसेट ऊपर था तब की बात हुई, सो नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ूंगा तुरंत मैं, थोड़ा सा जब ये डाउनवर्ड ऑफसेट होगा तब क्या होगा वो देख लेते हैं, है ना। एज सच अगर ये समझ में आ गया तो डाउनवर्ड आपको खुद से कर लेना चाहिए, लेकिन ठीक है मैं आपको करा देता हूं भाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है फंस जाए, हो सकता है फंस जाए, सो इसलिए वो भी मैं करा देता हूं। ठीक, इरेज करता हूं ये केस नंबर टू। डाउनवर्ड ऑफसेट, ठीक है। अब देखिए केस नंबर टू डाउनवर्ड ऑफसेट, ठीक है, यहां कहीं ऑफसेट हो रहा है, ये आपका पिस्टन हो गया and this is restricted to move along this line, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये वाला point and यहां से लेके यहां तक अब eccentricity E ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका R था, ये आपका L था। Now my dear, चलिए ये चलते चलते है ना, ये आपका क्या होगा, इस पे आपका ये घूमने वाला है, ये इस तरीके से घूमेगा। ठीक, ये चलते चलते कोई एक्सट्रीम पोजीशन, लेट अस अज्यूम यहां कहीं पहुंचा, ठीक, अभी
फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? मैंने आपको बताया था दिस शुड बी द फॉरवर्ड नाउ, मतलब इधर से इधर आने में ज्यादा टाइम लगेगा और इधर से इधर जाने में कम टाइम लगने वाला, ये रिटर्न है, ये रिटर्न है। ठीक, सो जब ये यहां पे होगा तो ऑब्वियसली ये वाला ओ ए और ए बी आपका कोलिनियर हो गया होगा। सो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दे रहा हूं, इस तरीके से कुछ होगा। ठीक, दिस इज द नाउ ए वन, ये आपका ए वन हो गया, इसको मैंने बी वन बोल दिया राइट नाउ बी वन। ये चलते चलते है ना, जब ये यहां पे था तो ये यहां पे है, अब ये घूमते 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 आगे आएगा तो ये पीछे आते जाएगा। लेट अस अज्यूम ये इधर आपका एक कैस्टिंग पोजिशन है, उस समय इसको दूसरे कलर से बनाता हूं भाई, रेड कलर यूज करते हैं यहां। ठीक, सो इस समय ये ऐसा कुछ दिखेगा, इस समय ये ऐसा कुछ दिखेगा, दिस इज योर बी टू, ऑब्वियसली इसी के कोलिनियर में ए यहां पे पहुंच गया होगा, तो ये ए टू हो गया, ये ए टू हो गया। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब आपका सर ए यहां पे था, ए वन पे था, सो बी यहां पे था, यहां से जब ये चलते 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 आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ए टू यहां पे आया तब ये यहां पे आया, मतलब फॉरवर्ड आपने यहां पे बोला है सर B1 से B2 आपका फॉरवर्ड होगा, इधर फॉरवर्ड होगा, सो B1 से B2 आपका फॉरवर्ड है, B1 से B2 आपका फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक, एंड B2 से B1 रिटर्न स्ट्रोक हो गया, इस केस में रिटर्न स्ट्रोक। ठीक, सो देखिए देखिए, और फॉरवर्ड और रिटर्न इस बेसिस पर मैं डिवाइड किया हूं जिस पे ज्यादा टाइम लगता है, तो वो मैं पहले ही बता दिया हूं कि इस पे आपका फॉरवर्ड है, इस पे रिटर्न है, वो देख लीजिएगा, अभी ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए देखिए यार, ये वाला जब यहां था तो ए यहां पे था, यहां से जब ये चलना शुरू हुआ तो ये यहां पे आ गया ए, मतलब सर ये वाला जो है ए वन, ए वन जब चल के यहां से इधर गया A2 पे, सो आपका क्या हुआ, फॉरवर्ड हुआ, आपका क्या हुआ, फॉरवर्ड हुआ, मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हैं दिस एंगल इज योर थीटा फॉरवर्ड। एक्चुअली अगर ये रेड लाइन से रेड लाइन तक आता तो कितना होता, 180 डिग्री, ये रेड लाइन कितना बनाएगा 180 डिग्री ना, ये कोलिनियर है, कोलिनियर दिखना चाहिए भाई, ऐसा दिखेगा कोलिनियर, ठीक है ये कोलिनियर दिखा, तो यहां तक, यहां तक, ठीक है। सो आपका क्या हुआ, ये यहां से चल के यहां तक आएगा, दिस इज योअर ए टू, दिस इज योअर ए टू, सो जब ये यहां से चल के सर यहां तक आया सो ये फॉरवर्ड हुआ, मतलब आपका जो एंगल है वो यहां से चलते चलते यहां तक होगा, सो ये थीटा एप होगा, ये थीटा एप होगा। सिमिलरली जब आपका A2 यहां से चल के कहां तक आएगा, A1 तक आएगा, तो रिटर्न होगा, सो दिस शुड बी द थीटा रिटर्न, थीटा रिटर्न। इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो फिगर बन रहा है, हा ना, अगर मैंने फिगर नंबर वन बनाया जिस पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये E है, यहां से लेके यहां तक E है, और यहां कहीं आपका ये A1 था, ये आपका B1 है, सो बट ऑब्वियस है यार, ये R था, ये डिस्टेंस आपका R था, ये L था, सो यहां से लेके यहां तक L प्लस R हो जाएगा, बट ऑब्वियस है, दिस इज द फिगर नंबर वन। फिगर नंबर टू अगर देखना चाहोगे, फिगर नंबर टू देखना चाहोगे, जैसे इससे पहले केस में देखे थे, सेम ये वाला फिगर नंबर टू बनाएगा, बिल्कुल सर, ये हो गया,
यहां पे कहीं आपका ए टू हो गया, ये ए टू हो गया, ये आपका बी टू हो गया, ये डिस्टेंस अभी भी ई रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अभी ये आर था यहां से लेके यहां तक, ये आर है और ये टोटल डिस्टेंस आपका एल है, एल है। सो बचेगा कितना, एल माइनस आर, सर एल माइनस आर बचेगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखिए, अगर मुझे थीटा एप निकालना है तो ये रेड लाइन से रेड लाइन चलता तो 180 होता, मतलब अगर ये वाला एंगल देखोगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर मैंने निकाल के 180 में प्लस कर दिया सो मुझे फॉरवर्ड मिल जाएगा, मतलब दिस एंगल शुड बी द फाई। सिमिलरली अगर रेड लाइन से रेड लाइन तक ये आता तो थीटा आर आपका 180 होता, लेकिन यहां से ये इतना माइनस हो जाएगा तो फाई माइनस हो जाएगा। क्या आप फिगर से देख सकते हैं, क्या क्या आप फिगर से देख सकते हैं क्या कि सर अगर मैं देखूं इसको, है ना, इसको अगर मैं देखूं, है ना, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, रेड लाइन, रेड लाइन और ब्लैक लाइन। सो ये ब्लैक लाइन से एक एंगल बना रहा है, ये आपका E था, ठीक है, E था। सो नाउ माय डियर, अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, सो ब्लैक लाइन से एक एंगल टोटल बनाइए, टोटल एक एंगल बना सर, टोटल ब्लैक लाइन से, रेड लाइन से एक एंगल ये बना। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, यह आपका हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये ब्लू वाला था, ये टिल्ट है थोड़ा सा। सो दिस इज, ये एंगल अगर मैंने निकाल लिया ब्लैक लाइन से और रेड लाइन से, ये एंगल अगर निकाल लिया, सो अगर दोनों एंगल का माइनस कर दिया, मतलब इस एंगल में इस एंगल को अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरा फाई निकल आएगा। लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा टू, ये वाला एंगल आपका थीटा टू है, ये वाला एंगल आपका थीटा वन है। सो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, सो दिस एंगल इज थीटा वन, दिस एंगल इज थीटा टू, सो फाई इक्वल टू, फाई इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू, दिस इज द थीटा वन, सर थीटा वन एंड दिस इज थीटा टू। अच्छा अच्छा एक चीज और, एक चीज और, अच्छा हाँ, यहां पे एंगल बदल गया ना, सॉरी एंगल बदल गया, थोड़ा सा ध्यान से सोचने की जरूरत है, ध्यान से सोचने की जरूरत है, ध्यान से सोचने की जरूरत है। सर आपने नीचे से एंगल दिखा दिया, आपने नीचे से एंगल दिखा दिया, हमको तो ऊपर से चाहिए था, ठीक है ठीक है, हम यहाँ पे ऊपर से निकालेंगे, यहाँ पे एक गलती है, एक गलती है, गलती नहीं मतलब रिटर्न, क्या ये वाला एंगल एज्यूम करके निकाल सकता था, बिल्कुल निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। सर इधर ही तो एक लाइन खींचना था, सर इधर ही तो एक लाइन खींचना था, लेकिन जैसा फिगर बन गया है वैसे ही मैं चलने वाला हूँ, वैसे ही चलने वाला हूं। सो अगर मैंने इसको थीटा वन माना तो यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा कैसे होगा। अब नाउ माय डियर, दिस इज द एक्चुअली थीटा वन, है ना, हाँ ये वाला, यस दिस इज द थीटा वन, ये वाला जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बना रहा है, सो ये आपका थीटा वन हो गया और इसी लाइन से ये आपका थीटा टू हो जाएगा। सो थीटा टू माइनस थीटा वन, सेम का सेम जैसे इससे पहले किए थे। सो थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन, अगर ये लेता ना तब भी बन जाता, कोई तकलीफ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री ही तो चेंज करना था, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये थीटा वन हुआ, ये थीटा टू हुआ, मतलब दिस इज द थीटा वन एंड दिस इज द थीटा टू, थीटा टू। सो थीटा, ये आपका थीटा वन हुआ, ये आपका थीटा टू हुआ, सो थीटा टू में अगर थीटा वन माइनस कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा फाई, और अगर फाई निकाल लिया, फाई निकाल लिया, सो थीटा एप इक्वल टू सर 180 प्लस फाई एंड थीटा आर इक्वल टू 180 माइनस फाई कर सकता हूं। सो यहां पे थीटा वन निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल सर, साइन थीटा वन इक्वल टू, अब देखिए बेस कौन सा हो जाएगा, दिस शुड बी द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनियस, सो ई बाय एल प्लस आर, सो थीटा वन इक्वल टू साइन इनवर्स, सेम चीज मिला,
एंड इस पे सेकेंड में साइन थीटा टू इक्वल टू ई बाई एल माइनस आर, सो थीटा टू इक्वल टू साइन इनवर्स ई बाई एल माइनस आर होने वाला है। नाउ माय डियर, अगर मैं ये वाला एंगल जो बता रहा था, ये वाला एंगल लेता, तो उस समय क्या हो सकता था, क्या हो सकता था? आंसर सेम देगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जितने को समझ में आया बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आएगा इस पॉइंट के बाद सो आप टेंशन मत लीजिएगा, यही फॉलो कीजिएगा। लेकिन कई लोगों के मन में ये चलते रहता है ना, जिसको बोलते हैं जिज्ञासा, जानने की चाहत। सो जानने की चाहत है कि सर पहले जो बनाए थे अगर उस पर करते तो आ जाता बोल रहे हो, तो कैसे आता? देखिए, ये वाला मैं उस समय ये वाला कंसिडर कर रहा था, ये वाला कंसिडर कर रहा था, तो दिस विल बी स्टिल हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होगा। ये आपका, ये अगर एंगल है तो ये आपका बेस हो जाएगा, तो बेस अपन हाइपोटेनियस मैं कंसिडर करता तो कॉस आ जाता उस समय। उस समय क्या आ जाता? कॉस आ जाता। सो उस समय ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोनों जगह कॉस का टर्म आ जाता। मतलब सर क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि कॉस इनवर्स e बाई एल प्लस आर माइनस कॉस इनवर्स e बाई एल माइनस आर से भी सेम आंसर आता? बिल्कुल आता, 100%। लेकिन मैंने साइन के टर्म में, इससे पहले भी साइन के टर्म में देखा था, यहां पे भी साइन के टर्म में देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर्मूला विल बी सेम, सो phi इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन, सो इट विल बी साइन इनवर्स e बाई एल माइनस आर एंड माइनस साइन इनवर्स e बाई एल प्लस आर। सो यहां से आपका phi निकल जाएगा, phi ही तो निकालना था, phi निकल जाएगा तो 180 प्लस phi एंड 180 माइनस phi, सो मेरा क्विक रिटर्न रेशियो, मेरा क्विक रिटर्न रेशियो दैट इज योर थीटा f बाई थीटा r निकल जाएगा। ठीक, कॉस के टर्म में अगर लिखता phi को तो कैसे लिखना रहता मुझे? कॉस के टर्म में देखिएगा, कोई भी सवाल आप उठाइएगा सेम आंसर आने वाला है। ये कॉस के टर्म में लिखता तो कॉस इनवर्स e बाई एल प्लस आर आ जाता बेटा, पहले e बाई एल प्लस आर, ये वाला थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाता उस समय। सो phi माइनस कॉस इनवर्स e एल माइनस आर। सो ये दोनों पॉसिबल है, हो सकता है एमएसक्यू में पूछ दे, सो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ठीक, सो इस तरीके से होने वाला है। सो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आपको क्या बताया, आपको ऑफसेट सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में बताया। अभी भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे है, दैट इज योर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, दो आपको पढ़ाया बताया हूं, दैट इज योर विटवर्थ और क्रैंक स्लॉटेड लीवर। सो क्रैंक स्लॉटेड लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वही चीजें कराने वाला हूं, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो इससे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा, तो वो लगा लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सो मजा आया होगा होपफुली लेक्चर, बहुत अच्छी चीज मैंने बात की आज, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच डियर, लेक्चर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए, है ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू। अच्छा हाँ, एक चीज और, आपको वर्कबुक मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप टेलीग्राम चैनल में जाके पूछ सकते हैं, आपको वर्कबुक मिल जाएगा, जो क्रैश कोर्स के लिए मैंने वर्कबुक बनाया है वो आपको मिल जाएगा। साथ के साथ आप प्रीवियस ईयर का किताब रखिए, आप गेट एकेडमी का किताब खरीद लीजिए, दैट इज बेस्ट बुक टिल नाउ इन द मार्केट। सो आपको वहां पे प्रीवियस ईयर के सारे सवाल मिल जाएंगे विद द सॉल्यूशन, सो की पॉइंट में भी आपको हेल्प मिलने वाला है उस पे, ठीक है। सो वो करिए, है ना, इतना तो आपको खुद से एफर्ट करना रहेगा भाई, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।